नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रिद्धि मिर्जे से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। देख रहे हैं आप, आपको हम दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि पर किस प्रकार बाबा गरीबनाथ धाम जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है, बिहार का वैद्यनाथ धाम भी जिसे कहा जाता है, आप स्थल से बाबा के गर्भगृह से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव फॉर्मेट में। महाशिवरात्रि है आज, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है और उस दिन बाबा के जो भक्त हैं, महाकाल के जो भक्त हैं, उनमें जलाभिषेक के लिए तांता लगा है। आपको हम बता दें कि ये जो जलाभिषेक के लिए जो तांता लगा है, यह सुबह से इस प्रकार की स्थिति है और फिलहाल अभी जो है दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अभी भी कतार जो है वो बहुत लंबी है। आपको हम बता दें कि ये कतार लगभग 1 किलोमीटर लंबी अभी भी कतार लगी है और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे बाबा के शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको हम बता दें ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर से आपको सीधे लाइव फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, बाबा गरीबनाथ धाम से ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और लाइव फॉर्मेट में आप देख सकते हैं किस प्रकार स्वयं सेवक संघ के लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि जलाभिषेक करने आए लोग वो सुविधाजनक तरीके से जलाभिषेक समय करवा रहे हैं और किस प्रकार लोग जो है यहाँ सेवा अपनी दे रहे हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार महिला और पुरुष अलग अलग कतार में अलग अलग तरीके से यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे बाहर की तस्वीरें भी कि बाहर भी किस प्रकार किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और पुलिस प्रशासन की भी खासा यहाँ पे मुस्तैदी देखी जा रही है। लगभग कल आधी रात के बाद से जिस समय जलाभिषेक शुरू हुआ था उसके बाद से लगातार लगभग 600 की संख्या, उससे भी अधिक संख्या में पुलिस जो है लगातार यहाँ पे अपनी सेवा दे रही है और यहाँ पे बाबा के भक्त, महाकाल के भक्त, भगवान शिव के भक्त यहाँ पे लगातार आपको जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें आपको मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम से आपको हम दिखा रहे हैं, गर्भगृह से सीधी तस्वीरें आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ रही होगी। इस समय आपके स्क्रीन पे सीधी तस्वीर जो है वो बाबा के गर्भगृह से अभी आपको मिल रही है। जयकारे के साथ बाबा का जलाभिषेक यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है और बोल बोल के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और इस समय आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से हम दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको दिखाया जाए कि किस प्रकार से यहाँ पे सजाया गया है, पूरे मंदिर को यहाँ पे सजाया गया है और विशेष जो है उसका खुलासा थोड़ी देर के बाद आपके सामने हम करेंगे कि आज, क्योंकि ये परंपरा रही है
भगवान शिव बारात की झांकी निकलती है पूरे शहर में, उसको घुमाया जाता है, भगवान शिव के प्रारूप को अलग अलग तरीके से सजाया जाता है और पूरे शहर में इसका भ्रमण कराया जाता है। भगवान शिव की बारात निकलती है और उस बारात का जो है वो शाम में बाबा गरीबनाथ धाम में उसका स्वागत होता है, बजाबता उसका विवाह माता पार्वती के साथ बारात में आए लोगों का स्वागत होता है, माता पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह होता है महाशिवरात्रि में ये विशेष। और ये तस्वीरें सीधे आपको बाबा गरीबनाथ धाम से वहाँ गर्भगृह से आपको सीधे हम दिखा रहे हैं। स्वयंसेवक लोग यहाँ पे, संस्थाओं के लोग जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग रंग के टी शर्ट पे संख्या में यहाँ पे लोग, ये आपको हम मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ है। और ये भीड़ जो है कल देर रात के बाद से लगातार जलाभिषेक के लिए भीड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कतारबद्ध होकर भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार जलाभिषेक का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार पूरे मंदिर को बड़े भव्य तरीके से भगवान शिव का जो विवाह है, शिवरात्रि का दिन है, तो सजाया भी गया है और बहुत बेहतर तरीके से सजावट देख के बन रही है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ आपके सामने नजर आ रहे हैं, भगवान शिव के जयकारे के साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे। और ये वो लोग हैं जो लोग भगवान शिव में आस्था रखते हैं, महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं और कर रहे हैं अभी इस वक्त, बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ है। और आपको बताएं कि भीड़ जो है बाहर एक किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पे आपको देख रहे हैं, तो इस वक्त पूरी तरीके से भगवान शिव की भक्ति में सराबोर हर हर महादेव के जयकारे के साथ लोग जो है वो जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा जो मंदिर है, पूरा मंदिर प्रशासन एक तरफ जो है वो बैठा हुआ है, पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी चौकस नजर आ रही है यहाँ पे। और इस चौकस व्यवस्थाओं में जो चीज साफ नजर आ रही है वो है भोलेनाथ की भक्ति। और आपको हम तस्वीर दिखाएं, इस वक्त देखिए ये पूरा डेकोरेशन है और ये डेकोरेशन है नंदी बाबा के लिए, नंदी बाबा यहाँ विराजमान है। और आपको जैसा पता है भगवान शिव के ठीक सामने नंदी बाबा होते हैं, तो यहाँ भी आपको नंदी बाबा यहाँ नजर आ रहे हैं। और अगर नंदी बाबा के ये सामने अगर आपको हम दिखाएं तो बाबा का गर्भगृह आपको साफ नजर आएगा, नंदी बाबा के ठीक सामने से अगर देखें तो बाबा का गर्भगृह, और गर्भगृह में सीधे तौर पे यहाँ पे लोग जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जलाभिषेक बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि में ये माना जाता है कि भगवान शिव का जो विवाह है वो इस दिन हुआ था और इसी दिन माता पार्वती के साथ इनका विवाह हुआ था। और उसी को लेकर के पूरे मंदिर को आप देखें, इस तरह तस्वीरों के माध्यम से भी दर्शाया गया है किस प्रकार माता पार्वती की तस्वीर है यहाँ पे, भगवान शिव की तस्वीर है और पूरे मंदिर परिसर को एकदम सजाया गया है, पूरे परिसर को एकदम बिल्कुल भावनात्मक तरीके से डेकोरेट किया गया है ताकि जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनके मन में भावनाएं की जो हिलोर है वो लगातार देखने को आपको मिले। पूरा डेकोरेशन मंदिर का किया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग कटेज लगाए गए हैं यहाँ पे। आप देखें माता पार्वती, भगवान शिव और पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान है। ये पूरी तस्वीरें आपको हम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से गणतंत्र बिहार न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे जो तस्वीरें पहुंच रही हैं ये पूरी तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में कितनी शक्ति है और उनके भक्त किस प्रकार से उनकी भक्ति में मतवाले हैं इस समय। हर हर महादेव और भगवान भोलेनाथ की जय, कोई बोलबम का जयकारा लगा रहा है तो पूरे जयकारे के साथ करतल ध्वनि के साथ जो है लोग यहाँ पे वो भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीर आपके स्क्रीन पे इस समय हम दिखा रहे हैं आपको, पूरी तस्वीरें गणतंत्र बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और ये पूरा का पूरा नजारा जो आपको दिख रहा है वो बेहतरीन और भक्तिमय दिखाई दे रहा है। इस वक्त पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, भगवान भोलेनाथ का विवाह है आज माता पार्वती के साथ, महाशिवरात्रि इसी का प्रतीक और महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का यताता। इस बात को बताने के लिए काफी है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में कितनी शक्ति है वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है।
इस बात की तस्दीक करती है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में कितनी शक्ति है और भक्त किस प्रकार भोलेनाथ की भक्ति में मतवाले। भोलेनाथ को दिए फूल मथुरा और दूध घी और जल से उनका अभिषेक करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगातार ये भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे वो अभिषेक कर रहे हैं। लाइव स्क्रीन के माध्यम से आपको हम ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। ये लाइव फॉर्मेट में आप देख रहे हैं किस प्रकार पूरे मंदिर को सजाया गया है और भगवान भोलेनाथ के भक्त किस प्रकार से उनकी भक्ति में लीन। ये भक्त बाबा को जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बाबा के गर्भगृह का दृश्य दिखा रहे हैं और गर्भगृह में अगर हम नजर डालते हैं तो देखिए किस प्रकार भक्तों की भीड़ है। भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ यहाँ पे महाशिवरात्रि का ये पर्व जहाँ जलाभिषेक के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और कल मध्यरात्रि के बाद से लगातार बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे के साथ महादेव का जलाभिषेक यहाँ पे बड़ी संख्या में। यहाँ कुछ बच्चे हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और ये बच्चे क्या क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं आप? अच्छा, कैसा लग रहा है सेवा करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के तरह सेवा बहुत अच्छा पुण्य का काम है। उम्र क्या है आपकी? 12 वर्ष के हैं और बाबा का सेवा में लगे हुए हैं यहाँ। आज क्या है, क्या विशेष है आज? आज बाबा का शादी है। महाशिवरात्रि है, बाबा की शादी हुई थी। चलिए, तो शादी की उम्र तो आप लोगों की भी हो रही है, कीजिएगा शादी? अभी नहीं कीजिएगा? अच्छा, चलिए अभी देर है लेकिन होगा जरूर। आज के दिन में सबसे विशेष क्या लग रहा है यहाँ? बाबा का सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, वही हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और भगवान भोलेनाथ आप लोग को सद्बुद्धि दे और इस तरीके से ही आप बराबर भोलेनाथ की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपको हम दिखा रहे हैं सीधा गर्भगृह से, ये तस्वीरें आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको इस समय मिल रही है। गर्भगृह से लाइव स्ट्रीम फॉर्म के तौर पे भगवान भोलेनाथ का जल दूध घी और दधी से जो है भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे अभिषेक हो रहा है। भक्तजन लगातार बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की वो वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को प्यारी है वो लगातार भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं इस समय। और ये पूरी तस्वीर आपको इस समय बाबा गरीबनाथ धाम जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, हालांकि इसको बिहार का बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। और इस वक्त जल अभिषेक के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है बाहर आपको, और बड़ी लंबी कतार लगी है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में बाबा की भक्ति के लिए, बाबा पर जल अभिषेक के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। माना जाता है कि बाबा का जो ये लिंग है वो मनोकामना लिंग है और ये एक लंबे समय से यहाँ पे इसकी एक इसका एक इतिहास है और इस इतिहास को लोग मानते हैं, इतिहास को लोग जानते हैं और इस इतिहास में लोग कहीं ना कहीं नतमस्तक हैं इतिहास के सामने। और लगातार बोल बम के जयकारे के साथ अपने आप को खुद को मोटिवेट करते हुए भोलेनाथ को समर्पित करते हुए लोग तो यहाँ पे जल दही दूध पूरा भांग और इस प्रकार की चीजें जो भोलेनाथ को प्रिय हैं लोग समर्पित कर रहे हैं। बाबा गरीबनाथ धाम के गर्भगृह से लगातार ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच रही है। महाशिवरात्रि का दिन और महाशिवरात्रि के महाकवरेज के साथ मैं आपके लिए यहाँ बाबा गरीबनाथ धाम जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है, बिहार का बैजनाथ धाम भी कहा जाता है, सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। और आज की संख्या की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर आज भी लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक जलाभिषेक कर चुके हैं और लंबी कतार लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार अभी लगी है जिनको जलाभिषेक करना है। सबसे बड़ी बात जो विशेष होती है कि शिव बारात की छाकी पूरे शहर में घुमाई जाती है और इस बार 53वीं वर्षगांठ है उसकी, 53वीं सौगात मुजफ्फरपुर के लोगों को ये मिलेगा, इस बार ये झांकी देखने का मौका मिलेगा लोगों को। आप देख रहे हैं किस प्रकार शिवलिंग के चारों तरफ एक बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग में लोग सुलभ तरीके से वहां जलाभिषेक कर रहे हैं जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, ये व्यवस्था उसके लिए। काफी खूबसूरत दृश्य आपको इस समय नजर आ रहा होगा, बिल्कुल भक्तिमय भक्ति से सराबोर ये भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक
महाशिवरात्रि का महा कवरेज आप देख रहे हैं गणतंत्र विहार लाइव पे। इस वक्त गणतंत्र विहार लाइव के इस महा कवरेज में आपको सीधा नजर आ रहा है किस प्रकार बाबा के भक्त भक्ति से सराबोर बोल बम के जयकारे के साथ, हर हर महादेव के जयकारे के साथ बाबा पर जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं, बाबा को जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। जितने भी लोग हमें इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। नए लोग जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर से बाबा गरीबनाथ धाम से गर्भगृह से आपको सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप तक पहुंच पा रही है। अगर आपने इस लाइव को अभी देखा है और देख रहे हैं तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वैसे लोग जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जो बाबा का दर्शन आज नहीं कर पाए हैं, जिनके मन में तमन्ना है जलाभिषेक करने की, इन तस्वीरों को आप वैसे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। आप शेयर करके इस माध्यम से इन तस्वीरों को पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय लाइव तस्वीरें बाबा गरीबनाथ धाम से किस प्रकार भक्त जो है भक्ति में शराबोर बाबा गरीबनाथ धाम है लंबी कतार के साथ। के लिए आ भी रहे हैं, सेवा दे रहे हैं लोग यहाँ और प्रभात जी यहाँ मौजूद हैं। दरअसल ये बीजेपी के सदस्य हैं, प्रभात जी मीडिया प्रभारी हैं आप बीजेपी के इस जिले के। और सबसे बड़ी बात, कैसा लग रहा है सर? देखिए आज लग रहा है कि मुजफ्फरपुर के हर घर में विवाह, ऐसा उत्सव लोग मना रहे हैं और बाबा का एक झलक पाने के लिए, बाबा गरीबनाथ को एक झलक पाने के लिए लोग बेताब है। अभी तक लाखों लोग सुबह 4 बजे से ही बाबा का जलार्पण हो रहा है और बाबा का एक झलक पाने के लिए मंदिर का चौखट चूमने के लिए लोग बेताब है। और ऐसा लग रहा है कि हर घर में आज त्योहार है, हर घर में आज विवाह है। माता शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव महाशिवरात्रि को हर लोग अपने घर में जिस प्रकार विवाह कर महोत्सव मनाते हैं उस प्रकार मना रहे हैं। अच्छा, ये बिहार का बैजनाथ धाम भी कहा जाता है इसे? और निश्चित तौर पर बिहार का यह बाबा धाम है और बिहार का बाबा धाम के तौर पर लोग इसे पूछते हैं। पहले बाबा बिहार में एक थे, वो अब झारखंड में बस गए, झारखंडी हो गए और अब हमारे बिहार के बाबा बाबा गरीबनाथ जी। और अब तक कितने लोगों ने जलाभिषेक किया है? सुबह 4 बजे से रेला जो शुरू हुआ है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और मैं समझता हूँ कि 3 लाख से ज्यादा लोग अभी तक लोग जलार्पण कर चुके हैं, बाबा का अभिषेक श्रृंगार कर चुके हैं और बड़े ही लोग खुश और बहुत ही महोत्सव के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं। क्या विशेष है आज बाबा गरीबनाथ धाम? पूरे गरीबनाथ धाम को एक विशेष आकर्षण के रूप में सजाया गया है। कलकत्ता के कारीगर के द्वारा विभिन्न प्रकार के फूलों से, विभिन्न प्रकार के मालाओं से, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से बाबा गरीबनाथ धाम का मंदिर, बाबा गरीबनाथ का मंदिर इस प्रकार सजाया गया है कि जिस प्रकार हमारे घर में विवाह होता है उससे भी बेहतर सजाओ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी थे और ये बता रहे थे किस प्रकार बाबा गरीबनाथ धाम में इस प्रकार भक्तों का जो विश्वास है, रेला है और तांता लगा हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या है। मंदिर प्रशासन भी काफी बेहतर तरीके से इस चीज को अच्छे तरीके से उत्सव के हालांकि ये सनातन आस्था का प्रतीक महाशिवरात्रि का महाकवरेज आप देख रहे हैं गणतंत्र बिहार लाइव पे। और आपको सीधी तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर से बाबा गरीबनाथ धाम से हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप सीधे जुड़े रहिए, देखते रहिए और दिन भर लगातार महाकवरेज के साथ किस प्रकार बाबा का जलाभिषेक हो रहा है उसके बाद सीधे लाइव फॉर्मेट में आपको हम जोड़ेंगे। शिव बारात की झांकी भी निकलेगी यार और उसमें लाइव फॉर्मेट में आपको हम जोड़ेंगे। वो ऐसे ही बने रहिए गणतंत्र बिहार लाइव के साथ। और आपको अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार 1 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पे
आपके भक्तों का लगा है जो जलाभिषेक करने बाकी हैं अभी, और जैसा कि आपने सुना प्रभात जी बता रहे थे उधर की 1-3 लाख से ज्यादा लोग अभी तक जलाभिषेक कर चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक करने हैं, तो कुल मिलाकर लगभग देखा जाए तो 3.5 लाख से लगभग 4 लाख लोग जो है वो जलाभिषेक आज करेंगे महाशिवरात्रि के दिन। तो ये स्थिति है यहाँ पे गरीबनाथ धाम से। मैं अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।